महात्मा गांधी द्वारा कहे गए मिनी स्विट्जरलैंड कोसानी पर मेरी जीरो ग्राउंड की कवरेज। मैं भी बिल्कुल कोसानी में हूँ, आपको बता दूं कई जगह का मैं यहाँ पर दौरा कर रहा हूँ। गांधी आश्रम, अनाशक्ति आश्रम और कई जगह पर मैं दौरा कर रहा हूँ। कई आश्रम से लेकर के अनामय आश्रम से लेकर के लक्ष्मी आश्रम, जहाँ पर कि महिलाओं के लिए आश्रय बनाया गया, महिलाओं को वहाँ पर संरक्षण दिया गया। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे वहाँ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जहाँ भी मैं अनामय में हूँ, जिस जमाने पुराने ज़माने की यदि मैं बात करूँ, जिस तरह की वैदिक पाठशालाएँ हुआ करती थी, वो आज भी मुझे नज़र आ रही। मेरे बाई तरफ है चाय के बागवान और साथ में बांज बुरांस के बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं। कई बिल्डिंगें बनी हुई हैं इस आश्रम में। नाशपाती और बब्बू गोसा, आड़ू, तमाम पेड़ लटके पड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, अनार से लेके तमाम चीज़ें। और विद्यार्थी यदि मैं बात करूँ तो छोटी छोटी हट टाइप की बनाई गई, जिस जमाने पुराने ज़माने में हुआ करते थे उसी टाइप की, और विद्यार्थी मुझे वैदिक पाठ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ध्यान केंद्र करते हुए नज़र आए मुझे। हजारों लोग, इवन फॉरेनर से लेकर के तमाम कई भारतीय, कई लोकल लोग जो कोसानी गांव के नज़दीक हैं, वो तक गरुड़ से लेकर के लोग दूर दूर आते हैं। इसका मतलब हमारी संस्कृति की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ध्यान का मतलब, जो पुराने ज़माने संध्या जप की जाती थी, गायत्री का जाप किया जाता था, तो वही किया जाता। महर्षि योगी जी ने पूरी दुनिया को ये बताने का प्रयास किया कि जब हम 24 घंटा काम करते तो उसमें थोड़ा ध्यान योग बहुत ज़रूरी है। और शायद पूर्वज जो हमारे थे, जिन्होंने वेदों का निर्माण किया, तमाम महापुराणों का निर्माण किया, शायद उनके पीछे यही राह होगा। और आज भी इस संस्था के द्वारा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा। कई मुझे आश्रम में फॉरनर्स भी नज़र आते हैं, जस्ट दे कम फॉर टू मेडिटेशन और दे जस्ट ट्राइंग टू अडॉप्ट आवर रिलीजन एंड कल्चर एंड जस्ट दे रियली अटरली बिलीव इन हिंदुइज्म एंड सनातन धर्म। और दाई तरफ भी मुझे कई बच्चे पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ भी मैं अपना कैमरे का फोकस लगवा रहा हूँ, शायद मुझे चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती के साथ सामने की तरफ मुझे बर्फीली चोटी भी नज़र आ रही है, मानो सफेद डायमंड सी चादर ओढ़ी हुई हो पर्वत। और बताया जाता है जब यहाँ पर सूर्य भगवान उदयमान होते हैं, और जब आज प्रातःकाल देख रहा था, वास्तविक ही सूर्य भगवान मानो ऐसे लगते कि जैसे एक मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर इस जगह से अभी उदयमान हो रहे हैं। और वही जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं तो वही दिशा यहाँ पर शाम को दिखाई देती है। सुमित्रा नंदन पंत की नगरी और महर्षि योगी आश्रम, अनामय आश्रम और तमाम जगह का मैं कुमाऊं मंडल में दौरा कर रहा हूँ। देखिए मेरी कुमाऊं मंडल पर खास पेशकश की सीधे जीरो ग्राउंड की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।